हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एम्बर वॉन्ड। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का टॉपिक जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर है। बेसिकली ये बहुत सारे लोग जो है ना, हम बोलते हैं कि हम किसी एक को बिलीव नहीं करते हैं, हम सबको मानते हैं, या फिर अगर नहीं भी मानते हैं तो ये स्टिल ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कैसे, और आपका कनेक्शन कैसा है। जैसे कुछ लोगों को विजन देखना, ड्रीम्स में पता लगना, इंट्यूशन या हीलिंग का उनके पास एनर्जी होना, सिंपल वाटर से कर देना, या किसी भी तरह के है ना। तो ये सब आपका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी से जब होता है ना, तभी आप कर पाते हो। लाइक टैरो रीडिंग्स जब हम अपने आप करने लग जाते हैं, पेंडुलम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी है ना, कुछ भी, और भी बहुत कुछ इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो रीडिंग आज कुछ वैसे ही है हमारी। सो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस वेरी ब्यूटिफुल पायराइट, रॉ पायराइट क्लस्टर। And this is group number 2, this beautiful opalite moon. And this is group number 3, this beautiful yellow candle. ठीक है जी, आप करिए इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को चूज और हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट 1 by 1। ये ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये पायराइट स्टोन। चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। मीनवाइल मैं इसको रखती हूँ यहीं पे, देखते हैं क्या आता है। आपका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी के साथ कैसा है, या फिर किस टाइप की कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है जी। ग्रुप नंबर 1, आपके कार्ड्स अपने आप ही फॉल हुए हैं, तो मैं ये सभी लेने वाली हूँ। ओह गॉड, कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया ये। इसमें तो आपकी पूरी रीडिंग आ चुकी है, इसमें आपकी पूरी रीडिंग आ चुकी है। आई होप यू कैन सी ऑल योर कार्ड्स। काफी कुछ कार्ड्स आना चाहते हैं आपके। मैक्सिमम मास्टर नंबर से आप कनेक्ट करते हो, बताती हूँ आपको। 6, 8, 4 ये मेन नंबर है, ठीक है। और आपने जो केयरफुल रहना है ना, आपने केयरफुल भी रहना है कुछ चीजों से, ठीक है। लाइक पता नहीं क्यों मुझे ये नंबर थोड़े से 3 और 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्यों उसका कुछ रीजन है। मे बी प्रॉब्लम्स आती होंगी कहाँ पे, जब लिब्रा एनर्जी है, जैसे पार्टनरशिप में लोगों के साथ डील करते हुए लोगों से प्रॉब्लम आना, उनका आपके गेंस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, चाहे आपके किसी भी चीज़ों को रिलेटेड हो, काफ़ी सारे कार्मिक इश्यूज में आप खुद को देख सकते हो इन्वॉल्व होते हुए, फंसते हुए भी, या फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। बट यू हैव दैट यू नो स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली भी बोल लीजिए, या फिर समथिंग इज विद यू कि आप उस चीज से बाहर निकलने के आपके रास्ते, आपको रास्ते भी बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आप सोचो कि ना कैसे ही करूं, बिलीव मी आपके पास ऑप्शंस बहुत आपको मिलेंगे। जो भी ऑप्शन को, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग है, क्रिएशन की एनर्जी आपकी इतनी स्ट्रांग है। मनी मैटर्स में अगर आप अब तक स्ट्रांग नहीं थे क्योंकि आप सही डायरेक्शन खुद को नहीं दे पा रहे थे, कुछ लोग होते हैं ना जैसे स्ट्रॉन्ग आइदर वो होते हैं अपना बिजनेस में, तो वो बहुत साल तक जॉब में रहने की वजह से कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो आपका ऐसा क्रिएशन का एनर्जी आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त है, फिर उसके बाद बैलेंस आप अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, ग्रुप नंबर 1, अपने इंट्यूशन की हमेशा सुने आप, क्योंकि काफी स्ट्रांग है आपकी इंट्यूशन। क्राउन चक्र बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड या एक्टिवेट है ऑलरेडी। जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है ना, ये तो सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि हमारा कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी से बहुत स्ट्रांग है। ऑटोमेटिक हेल्प मिलते रहना, या काफ़ी सारी एनर्जीज के साथ, मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि आप डील कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हो। कुछ लोगों के पास इतना पावर नहीं होता कंट्रोल करने का, उसको रिटेन मेंटेन करने का, आप लोग कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे ना आपका, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कैसे ही करूं, यू नीड ओनली 1 पर्सन और मेंटोर जो कि आपको सही गाइड कर पाए, आपको ये सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस दिला पाए। यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट क्या बोलोगे, पावर है ना, कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, नॉट ओनली इन योर साइकिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, एज वेल एज इन योर
मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ कहाँ, आप लाइफ में जहाँ बैलेंस चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, सोशल इमेज हो, वहाँ पे। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ना चीज़ों को बैलेंस भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लिब्रा हो, ठीक है, और अभी तक नहीं कर पा रहे थे, तो आपके जो हिडन, आप ही की हिडन वीकनेस हैं या दूसरे लोगों का ही आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, जिन जो हटेगा, आप खुद भी उसको करने में कैपेबल हो। एक बार वो हट जाएगा तो यू विल सी योरसेल्फ हाउ स्टेबल एंड ग्राउंडेड, आप कितने स्टेबल और ग्राउंडेड हो, ठीक है। ये वाला कार्ड मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इवन यहाँ पे ये न्यू यांग का कार्ड है। फर्स्ट अगर हम वैसे कार्ड को देख रहे हैं, नंबर 6 एंड माय लाइफ पाथ नंबर वट एवर यू से इज नंबर 6, सो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस बोल सकते हैं, बहुत सारे रास्ते कहीं आप जहाँ जाना चाहते हो, चाहे आपका सोल पर्पस है, लाइफ पाथ है, वट एवर इट इज। यहाँ पे ये जो कार्ड आता है ना डिसाइड का, ये है आपके उसमें रुकावटें, किसी की तरफ से क्रिएट करना है नेगेटिविटी, या पुराने टाइम से या फिर रूट चक्रा के कुछ इश्यूज होना, या कुछ भी नेगेटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वॉच आउट करना है, ठीक है। ये आपका यिन यांग का कार्ड है। हम जानते हैं कि ये कार्ड बहुत ही प्रोमिनेंट होता है जब भी किसी के उसमें आता है, बिकॉज दिस इज मून एनर्जी एंड दिस इज सन एनर्जी। मून मीन्स मदर, सन मीन्स फादर, मून मीन्स रिलेशनशिप, हेल्थ, ग्रोथ, नर्चर करना। सन मीन्स एग्रेशन, एक्शन, बिजनेस, मनी मीन्स प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पे दोनों का बैलेंस एनर्जी बनाते हुए दिख रही है। स्ट्रेंजली मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे अगर यू आर द हीलर, मैं इस कार्ड को कभी कभी ना यू आर द हीलर कार्ड भी बोलती हूँ। हो सकता है काफी सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल एक्सेशन में से निकल रहे हैं, तो ये मंथ उनको काफी अट्रैक्ट करेगा दिसंबर का। ये कुछ चेंजेस देखेंगे अपने में, साइन और सिम्टम्स देखेंगे अपनी बॉडी में, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हो तो वो पॉजिटिव ही हैं। कैसे, जैसे लिथार्जी फील करना, लेजी फील करना, टायर्ड फील करना, सैडनेस अचानक से कहीं से आपको फील होना, और आपको ऐसा फील होना अरे कब प्रॉब्लम्स एंड होंगी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे। फिर है उसके बाद यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट कार्ड, मैं अगेन आपका ये बोलूंगी, आप खुद ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हुए हो यहाँ पे, मैजिशियन एंड द मिरर का। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद को एक ही काम है आपका, हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपने हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को एक बैलेंस रखना है। यहाँ पे हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं, है ना, बट लो नहीं करना है। यहाँ पर ये चीज आपको बोली जा रही है, मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे ना एक्चुअली इस कार्ड के जो है ना काफी दो मीनिंग ही एक तरह से निकल आते हैं। आपको, आप क्या बनना चाहते हो, आप बहुत क्लैरिटी होना चाहिए आपको उसमें। अपनी एनर्जीज को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, यू डिजर्व एवरीथिंग, इस चीज को पहचानो, और आप वही चीज क्रिएट करोगे। अगर खुद को लो फील करवाओगे ना, तो बिलीव मी हर बार गलत चीज से ही पाला पड़ेगा आपका, ठीक है। फिर आपको लगेगा ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा आपके साथ नहीं है, ऐसा आप अट्रैक्ट कर बैठते हो। बल्कि अगर हम आपकी एनर्जीज के ऊपर बात करें ना, तो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जीज हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की। कार भी शफल करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही कार जो है यहाँ पर आ गए थे। तो इस चीज के ऊपर आपने यहाँ पर फेथ रखना है। अब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, हम जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये है वो है। अगर आप इस लास्ट वाली इमेज में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो ये जो पर्सन है, इन्होंने अपनी आईज यहाँ पे क्लोज की हुई है, बुक्स सब रीड कर चुके हैं, नॉलेज ले चुके हैं, बस अब अभी डिसीजन लिया जा रहा है, परखा जा रहा है खुद की नॉलेज को, कि क्या मैंने जो अब तक सीखा है वो सही है। अपने दिमाग की नहीं सुन रहे, अपनी इंट्यूशन की सुनी जा रही है यहाँ पे। और जो चीज आपको यहाँ करनी है अपनी लाइफ में, इफ यू वॉन्ट, आप जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो आपके साथ एक पैटर्न चलता होगा। पैटर्न कैसा है यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना, मैक्सिमम लोगों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, या उनसे आपका ना कॉन्टेक्ट हो जाता है, कुछ नेगेटिव चीजों, लोग, एनर्जी, वट एवर आप जिसको भी बोले। आपको बोला जाता है कि इसको बैलेंस रख लो, कैसे, देखकर कि क्या आपकी इसकी पर्सनल लाइफ में जरूरत है, नहीं है ना, उसको निकालो। स्पिरिचुअल लाइफ में जरूरत है, नहीं निकालो। कुछ लोग हम स्पिरिचुअलिटी को क्या मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, मंत्रा, मेडिटेशन, सुबह 4 बजे उठना, ये वो है ना, जो भी है, जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, जो कि बिगनिंग में काम आते हैं।
जो बहुत ही एडवांस्ड लोग होते हैं आपने देखा होगा वो ऐसा नहीं करते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया है, ये नेचुरल, इस पर्सन के पास इतनी हाई लेवल की जो पावर है वो नेचुरल है, नेचुरल, कहीं से जनरेट नहीं की है, ऑटोमेटिकली ही सब पर्सनैलिटी लाइक दिस, और है ना जो भी है यहाँ पे इस कार्ड की हम बात करें। अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप ना तो सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हो, बट अगर एक बार रखेंगे तब, अदरवाइज अगर आप अपने शेल के अंदर हो तो आप हो, तो कुछ नहीं कर सकते। आपके इस कार्ड में काफी सारी आप न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हो अपनी लाइफ में। आई एम सो सॉरी, बीच में कोई आ गया था। आपका जो मैं हम बात कर रहे थे आपकी जो जर्नी की, है ना, जैसे काफी टाइम से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फील कर पा रहे हों कि उनको वो सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए या सक्सेस नहीं स्टार्ट होगी जो वो डिजर्व करते हैं, जितना होना चाहिए था उनके लिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो वही चीज़ है मिरर, आपको सिर्फ यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट फेथ नहीं है खुद के ऊपर, या ड्यू टू सम नेगेटिविटी ऑल्सो रिलीज नहीं कर पाए, ऑप्शन जो अवेलेबल है नहीं देख पा रहे हो। जिन लोगों के साथ ये चीज़ हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं कर पा रहे हो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, तो फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करेंगे, जो भी ग्रुप है फाइनेंशियली आप ग्रो काफी करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का एज यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, 40, 30, 20 या कुछ भी, किसी भी एज ग्रुप में कोई भी आप नई जर्नी अपनी फाइनेंशियल, जो कि आपकी फाइनेंस से सक जाती हो इम्प्रूव करने के लिए, वो स्टार्ट कर सकते हो और काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो आप, ठीक है। साइड बाय साइड बस थोड़ा सा दूसरों को खुद को जो है दूसरों की जेलसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट रखें, जब ऐसा हो तो खुद में बैलेंस बना के रखें, और कुछ नहीं है खुद के ऊपर फेथ रखें, बिलीव रखें, अगर कुछ हीलिंग वगैरह जानते हो तो वो करें, ताकि हम जो है अपना अपने जो पाथ या वट एवर जो आपने चूज किया है, ठीक है, उसको आप फॉलो करते रहें। ऑलराइट जी, सो रीडिंग लेंथी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई एम स्टिल समवेयर बिजी। सो ग्रुप नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हैव अ नाइस वंडरफुल ब्यूटीफुल डे अहेड। नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, ये आपका ब्यूटीफुल सा ऑपलाइट मून और स्टोन हार्ट शेप में, चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं आपका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कैसा है और किस तरह की कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ठीक है जी। जो मुझे यहां पर लग रहा है ना ग्रुप नंबर 2 के साथ, मून, वेरी मून ब्यूटीफुल, दिस इज ऑपलाइट मून एंड दिस इज मून कार्ड हैंड डेस्टिनी, मैं इसको डेस्टिनी का कार्ड बोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मैं जब भी कार्ड निकलता है मैं इसको हैंड से ज्यादा डेस्टिनी बोलती हूँ, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपके ऊपर तो स्पेशली बहुत ही नेचर मदर का बोल सकते हो, यूनिवर्सल मदर का बोल सकते हो, यूनिवर्स की जो नेचुरल एनर्जीज हैं उनका डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत ही अच्छा कॉस्मिक जो एनर्जीज के साथ कनेक्शन है आपका। एमेथिस्ट स्टोन के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप, अपनी इंट्यूशन के साथ इस चीज को मिक्स करके बहुत ही जबरदस्त काम कर सकते हो, जो रास्ते बंद थे खुलेंगे, खुलेंगे तो बिल्कुल स्मूथ जर्नी रहेगी। थर्ड आई चक्रा काफी स्ट्रांग है इस वाले ग्रुप का, वाटर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा रहता है, मीन्स मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है जी। ब्लेसिंग्स तो हैं आपके साथ, आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो, स्पेशली कुछ जैसे हीलर का ना, काफ़ी पहले की बात है, मुझे किसी ने बोला था कि हीलर किस टाइप के, इमोशनल और फिजिकल, आपका जो भी डिसीज होती है उसके टाइप के, तो यहाँ पे मुझे आप इमोशनल हीलिंग में बहुत ही लग रहा है कि आप अच्छे नेचुरल तरीके से हो सकते हो। अगर आप लोगों का एज थोड़ा ज़्यादा है ना, बिलीव में अगर 40+ है, 50+ है, 60+ है, तो आप लोगों के पास किसी को ब्लेसिंग्स देने की भी बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही यूज करना। नेगेटिव हम कोई भी हो मैटर नहीं करता, अगर हम नेगेटिव कुछ भी बोलेंगे ना तो बैकफायर हम पर ही होता है, बेटर है आप जितना पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देंगे उतना अच्छा होगा, स्पेशली अगर कोई लोग नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप प्रेयर के थ्रू उनके काम में पॉजिटिविटी ला सकते हो। ग्रुप नंबर 2 जो है, कुछ लोग बोलते ना कुछ पता नहीं है, काफी कुछ लोगों को यहाँ पे हीलिंग वगैरह में जाएंगे तो काफी कुछ कर भी पाएंगे, बट अगर नहीं है कुछ जिन लोगों के लिए आप, अगर और अगर है भी दोनों केसेस में,
प्रेयर इज अ बेस्ट टूल, मेडिसन, मिरेकल और क्या क्या बोलूँ, कनेक्शन है ना। आपकी प्रेयर आपके भी और दूसरों के लिए भी बहुत बहुत पावरफुल रहेगी, ठीक है। जब भी स्पेशली किसी का नया कोई कनेक्शन जोड़ना हो, कोई कनेक्शन जैसे किसी काम का बनना हो, कोई इंटरव्यू हो, कहीं पे भी, सो ऑलवेज रिलाई ऑन दिस पावर प्रेयर की, ठीक है। काफी पावरफुल होता है ये। देखते हैं आपके और क्या कार्ड्स आते हैं ग्रुप नंबर। आह वो जबरदस्त था, जबरदस्त। मिरर, मिरर का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है। देखिए जब मिरर का कार्ड आपका रिवर्स, मिरर का क्या है ना, आपके साथ एक और चीज क्या होगी, बहुत सारे लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग होने वाली होती हैं, तो आप उससे बच जाते होंगे। आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है ना वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग। आप प्रोटेक्टेड भी फील करोगे खुद को। बस रियलाइज करना स्टार्ट कर दो, महसूस करना स्टार्ट कर दो और ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दो इन सब चीजों के लिए, ठीक है जी। और ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये यूनिवर्स के तो है ही है, मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से भी लग रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे येलो कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट मुझे यहाँ पे येलो कलर की जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग लग रही है, जैसे किसी सेंट की, कोई भी सेंट हो सकता है। यहाँ पे जेंडर बेस्ड या फिर कल्चर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड नहीं है। कोई पीर साहब हो सकते हैं, कोई सेंट पुराने हो सकते हैं, किसी भी कल्चर रिलीजन के हो सकते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर काफी है। आपके जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज रुकती है या रुक जाती है, तो ऑलवेज यहाँ पर जाइए आप, यहाँ प्रेयर वाले मोड पे और ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए अपनी, ठीक है। ये चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी या जो भी न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो उस चीज को, मूनडेज में थोड़ा सा बस आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। वैक्सिंग वार्निंग मूनडेज में हो सकता है एनर्जी फ्लक्चुएट करती हो और मूड स्विंग्स भी होते हो, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता होगा। बट आपको अगर समझ आ जाती है ना इस चीज की, सपोज उस दिन ऐसा हो गया मूनडे वाले दिन, तो नेक्स्ट डे आप नॉर्मल हो जाया करो। लगता है एक दिन किसी दिन ना मून एनर्जी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे कि वो कैसे किस तरह से शेडो का कार्ड आया है, ठीक है। आ ही गया है तो शेडो का कार्ड जो है ना यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, अगर हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ देखें, जैसे मैंने बोला कि कनेक्शन तो जबरदस्त है, बट वही शेडो साइड है, कुछ ना कुछ शेडो है आपकी एनर्जी की है, या आप निगेटिव एनर्जीज को जाने अनजाने में जब हम कनेक्ट करते हैं ना, हमें नहीं पता होता, बिलीव मी, मैक्सिमम टाइम हम किस तरह की एनर्जी के साथ डील करने वाले हैं, क्या एनर्जीज जो है हमारे साथ कनेक्ट होने वाली हैं, तो ये शेडो का कार्ड आता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, वो वहां पे रिवर्स आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, क्लेंजिंग करते रहिए, ओरा क्लेंजिंग या फिर कुछ भी क्लेंजिंग, या ऑलवेज कीप इन टच विद सम पॉजिटिव एनर्जी से कुछ भी, जैसे स्पेशली आप लोग एमिथिस्ट आप अपने लेफ्ट हैंड में पहनना, अगर इफ जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, कोई भी ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, ब्लैक कलर का कुछ भी चीज आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हो एनर्जी को, नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, बहुत अच्छा रहता है वो, ठीक है। टॉर्च, बिल्कुल आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कनेक्शन जबरदस्त है, पर बीच बीच में आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल ऐसा होगा जब नेगेटिविटी होगी, आपके काम वापस रिवर्स होंगे या फिर चीजें वहीं पे स्टक हो जाएंगी, तब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गाइडेंस लेने के लिए, चाहे आप खुद से लीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए, या किसी भी ऐसे रिलायबल सोर्स से ही लीजिए, कोई भी। द लीस्ट कॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉमन सेंस, ठीक है, उसी पर्सन से कर लेंगे जिसके पास कॉमन सेंस की कमी नहीं है, तो अच्छा होगा, अदरवाइज बाकी सब किताबों में मिल जाता है हमें, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है वो ही पर्सन आपको गाइड कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में मास्क कहाँ है, मास्क मतलब नकाब किन किन लोगों ने पहना है, किन किन चीजों में पहना है, क्या चीजें आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये दो सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉर्च के लिए बोला, अगर मैंने आपको येलो एनर्जी बोला था ना, तो ये दिस इज दैट येलो एनर्जी कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो है जो कि ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। जब भी आपका फ्लक्चुएशन होगा, मैंने बोला जैसे इस ग्रुप का फ्लक्चुएशन भी होता है, तो ये येलो एनर्जी ब्लेसिंग्स हो गई, सेंटली एनर्जी हो गई, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स हो गया, वट एवर इट इज, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। एक तो कार्ड देखते हैं हम और इस ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर टू, हार्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
आप एक चीज और आपको यहाँ पे जो बोली जा रही है, जैसे कि ओह अच्छा ठीक है, ओह सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस मास्ट कार्ड, यहाँ पे हार्ट का कार्ड है, वहाँ पे आपने जो व्हाइट वाला हार्ट चूज किया है, नो डाउट आपका हार्ट जो है वो काफी प्योर हो सकता है, कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, रीजन क्या है कि इस शेडो एनर्जी की वजह से, कभी कभी रिलेशनशिप हो चाहे नेचुरल एनर्जी हो, कम्युनिकेशन हो, आपका नेटवर्किंग हो, आपके क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो या सोशल लाइफ हो, इश्यूज आते होंगे शेडो एनर्जी की वजह से, क्योंकि ये मास्क है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बोला मास्क दो तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को जब आप अपने लाइफ में एंटर जाने अनजाने में कर लेते हो तो वो चीजें भी अफेक्ट करती हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि स्ट्रांग रहिए भाई आप लोग, जहां पे आपको यहाँ पे व्हाइट हार्ट की जरूरत है यहाँ पर व्हाइट हो जाइए ऐसे, और जहां पे इन इन जगह पे आपको बोला जाता है कि नहीं ऐसी चीजें हैं आपको इसको छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव चीजों को तो ऑफकोर्स छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे रेड हार्ट की मीन्स एग्रेशन की, पैशन की या वट एवर इट इज, पूरा एनर्जी की जरूरत है कि हाँ ये देखिए आपके हार्ट में भी येलो एनर्जी ही काम कर रही है, ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये येलो एनर्जी से ही आपका हार्ट जो है वो यू नो गेटिंग गाइडेंस, गाइडेंस मिल रही है इस टॉर्च की जो गाइडेंस है यहाँ पे ये इस येलो एनर्जी से ही मिल रही है, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है हर कोई जानता होगा मे बी उनसे कौन कनेक्टेड है क्या है, जिस भी एनर्जी के आप टच में रहते हो अगर वो सेंटली एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी सेंटली है, साधु मीन्स आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, कोई ऐसे उस तरह की मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। अब न्यू बिगनिंग्स अगर आप देखा जाए, आप किसी भी तरह की कर सकते हो अपनी लाइफ में, एक और मैं खाली और देखना चाहती हूँ आपका न्यू बिगनिंग के केस में कि किस तरह की न्यू बिगनिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, सी बुक का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स नहीं होने का आपकी लाइफ में, बिलीव में भाई आप लोगों को ये ग्रुप नंबर टू को गाइडेंस की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगेन यहाँ पे येलो एनर्जी आ चुकी है, आप देख रहे हो दिस बुक इज ऑफ येलो कलर, तो यहाँ पे येलो कलर का फिर से है, ठीक है कि आपको इसकी जरूरत है इस शैडो सेल्फ को हटाने के लिए, चाहे आपका खुद का ये शैडो सेल्फ हो या फिर कहीं से आ रहा हो या फिर कुछ हो, इन ऑर्डर टू गेट स्टार्ट न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ फ्रूट, वाओ आपने पहले यहाँ पे रेड हार्ट आया था, रेड फ्रूट आया था, मीन्स जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, आपके आध्यात्मिक जीवन से है या भौतिक से है, जो भी है यू विल गेट दैट रिजल्ट, यू ऑलरेडी है ना डेस्टिनी में वो चीज ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, तो आपको सही रास्ता, सही नॉलेज, सही पाथ चाहिए उस चीज तक पहुंचने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी के साथ यहाँ पे पूरा आप श्योर हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आपका, बट उसके साथ साथ कहते हैं ना हमें अपने एफर्ट्स भी मिक्स करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको एफर्ट्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है जी। सो ग्रुप नंबर टू ये थे आपके रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद योर फेयर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे अहेड। ये ग्रुप नंबर थ्री जिन्होंने भी चूज किया आपका ये ब्यूटीफुल सेकेंड येलो, देखते हैं आपकी कॉस्मिक एनर्जी कैसी है और क्या है जो भी आता है रीडिंग में, है ना। सो लेट्स स्टार्ट, एक बार फिर से शफल करते हैं इसको क्योंकि तीन कार्ड आए हैं वही तीन आना चाहते हैं, वही तीन आना चाहते हैं, नो डाउट ले लेते हैं, ले लेना चाहिए, डाउट नहीं करना है, है ना। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सन का कार्ड है यहाँ पे, सन की एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये वाला ग्रुप जो है मैक्सिमम ये लोग अपनी सक्सेस के बारे में जानना चाहते होंगे, क्या उनको मिलेगी इतने छोटे से एंडेवर में, कि उनका हो सकता है कुछ भी काम है सोचा है करना चाहते हैं वो कुछ छोटा हो सकता है, जैसे ब्यूटिशन, डिजाइनिंग, यू नो आर्ट एंड क्राफ्ट, और कोई भी छोटी चीज को प्लांट करना, जैसे यहाँ पे ये पर्सन भी देखा जाए तो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आपको सक्सेस मिलेगी, आप ये चीज जानना चाहते हो, आप जो ये छोटे छोटे से एंडेवर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और चाहे आगे कितनी भी स्ट्रगल आएगी क्या सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप एक बार स्टार्ट करके देखें तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आपका देखा जाए, येलो कैंडल भी आपने चूज की है, तो यहाँ पे सन का कार्ड चूज किया है, ये भी बहुत बॉटम ऑफ द डेक है,
बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल सा कार्ड है, वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। आह माय गॉडनेस, 10, 1 and 9, 10 एंड हेयर 10, मिसेस के पीछे ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और आप लोग जानते हैं दैट आई एडमायर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, इसलिए नहीं कि ये फॉर्चून से है, इसलिए है क्योंकि इसका मतलब होता है कि हमारा टाइम कहीं पे भी रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाना है। कॉस्मिक एनर्जीज के साथ आपका जबरदस्त रिलेशनशिप है, बट लेट मी टेल यू, आप लोगों का यहाँ पे सक्सेस के साथ ज्यादा कनेक्शन है ग्रुप नंबर 3 का, रदर मैं इसको बहुत ही स्पिरिचुअल और साइकिक लेवल पर लेकर जाऊं। चाहे जीरो से स्टार्ट करोगे सक्सेस जरूर मिलेगी, आपके मेंटोर्स, गुरु, हायर अथॉरिटीज का आप लोगों को फेवर मिलेगा। अगर रास्ते में कोई भी रुकावटें आएंगी तो ज्यादा टाइम तक के लिए स्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट आपको यहाँ पे ना एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे, एफर्ट्स आपके खुद होंगे, एक्शंस आपको खुद लेने पड़ेंगे, सिर्फ इतना है। फिजिकल एक्शन जिन चीजों में मेहनत चाहिए, फिर सन का कार्ड आ ही रहा है तो हम इसको रख लेते हैं, वो आपको जो है करना पड़ेगा। क्योंकि जब सन का कार्ड नाइन ऑफ, देखिए अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, नहीं करना चाहते हो, कर रहे हो, नहीं मिस न्यू, यहाँ पे नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो ना तो बिल्कुल उतना ही स्ट्रेस लेना, उतना ही सोचना जितना जरूरत है, उससे ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जो भी चीज स्टार्ट करोगे उसके साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट करनी है आपने, ना कि स्ट्रेस टेंशन वाली होगा या नहीं, कैसा है ये वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यही चीज आपको आपके काम को स्लो कर देती है, ग्रेट, यही चीज आपकी, यही टेंशन स्ट्रेस किसी भी नई चीज में जब आप लगाते हो, आपकी स्ट्रेस लेना ही आपके काम को स्लो कर देता है। जो सक्सेस आपको फास्ट मिलनी होती है ना, उसको स्लो कर देता है थोड़ा सा, उन चीजों को नहीं करना है, ठीक है। इस वाले ग्रुप ने 333 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हो सकता है प्रॉब्लम, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्ट्रेंजली 2 of cups का कार्ड जो है रिवर्स में आया है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जगल स्ट्रगल कर रहे हो, बट यहाँ पे एम्प्रेस और टू की एनर्जी बहुत आ रही है इस वाले कार्ड में। 2 of cups यहाँ पे अगर आप दो लोगों को देखेंगे तो उनका बॉन्डिंग, 2 of swords एंड एम्प्रेस, आई लव दिस। मैंने बोला ना ये कार्ड जो है मटेरियल सक्सेस, फेम, नेम के लिए अकेला ही काफी है। अगर आप मेल हो, फीमेल हो, तो यू डोंट नीड एनीवन। चाहे अगर आपको लग रहा होगा कि अभी कोई सपोर्ट नहीं है, अभी कोई मेरे पास नहीं है, अभी कुछ नहीं है, सो दिस इज मेजर अरकाना ना। 333 की मैंने आपको एनर्जी भी अभी बोली थी, 333 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे बताती हूँ। ये वाला ग्रुप जो है ना, लक, ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा ही होगा। आप लोगों को ना 2 बार कॉन्फर्मेशन हो चुका है, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से, सेकेंड आपका ये 3 से, और ऊपर से फिर इसमें एम्प्रेस भी आ चुकी है। राइट नाउ कुछ इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में बैलेंस के, ठीक है जी, और बैलेंस नहीं चल रहा आपकी फिजिकल लाइफ में और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, मीन्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में। कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, कुछ इश्यूज भी हुए होंगे, पार्टनर के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, या आपके पार्टनर जो है आपकी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे होंगे, या आप नहीं सुन रहे हो, आप रास्ता सही नहीं चूज कर रहे हो। रास्ता पता है आपको, दिख रहा है किसी एक को, दिख रहा है कि ये सही है, बट चूज किसी दूसरे ही रास्ते को किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा परेशान कर रही हूँ भाई। आप लोगों का अगर मैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ लिंक अगर बोलूंगी ना, आपके केस में कॉस्मिक एनर्जी का क्या ना, मटेरियल सक्सेस को लेकर है, काफी सारी मटेरियल सक्सेस को लेकर, और उसी के थ्रू ही आप अपनी उसी कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू ही, आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी जो है ना वो थोड़ा सा ही काफी है। ग्रुप नंबर 3 का जो रीडिंग आया है, फर्स्ट 2 ग्रुप से एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है ना डेस्टाइंड है मटेरियल सक्सेस के लिए, ग्रेट, जिसके लिए हम सब लोग शायद रीडिंग देखते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ये ग्रुप जो है, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ ऐसा, बट अगर आप लोग अकेले भी रहोगे ना, अगर आप लोग अकेले भी हो, पार्टनर के साथ नहीं हो, अगर आप सोच रहे हो, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना हम किसी जर्नी में हैं, हम अकेले नहीं होंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, नहीं जी, ये चीज़ आप लोगों के साथ नहीं है। आप अकेले भी हो, आप तब भी सक्सेसफुल हो, मटेरियल लाइफ में आपका उस चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आई है 9 of pentacles की एनर्जी, बिल्कुल मैंने वही चीज़ बोल रही हूँ, और मेरे हाथ में वही कार्ड है, बार बार कार्ड लेते हैं। आप लोग यहाँ पे यही चीज आ रही है, 9 of pentacles, अपने इंट्यूशन को भी सुनिए, आप लोग काफी स्ट्रांग हो अपने इंट्यूशन को सुनने में। आपको अगर आपके लाइफ में मटेरियल सक्सेस को अट्रैक्ट करना है ना, तो बिलीव मी, आप लोग ना अपने इंट्यूशन को सुनते रहिए,
उसी के अकॉर्डिंग ही एक एक स्टेप रखिए। अदर आप सोच रहे हो ना कि एकदम से कुछ भी हो जाए, एकदम से कुछ नहीं होता है, स्पेल नहीं है, जादू नहीं है, मिरेकल, मिरेकल तो बिल्कुल एकदम से होता है, मैजिक नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको ये बोला एक एक करके रखें। और आप यहाँ पे ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है ना, अगर आपको वो फेथ है ना कि पार्टनरशिप का, पर्सनल लाइफ का, कि वो कब ठीक होगी, तो वो भी आपकी हो जाएगी। बट उससे पहले आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फाइनेंशली या किसी भी तरह से आप इंडिपेंडेंट होंगे खुद के ऊपर, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो किसी भी फॉर्म में। यू आर फुल, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर चार्मिंग, फाइनेंशली कहीं ना कहीं पे खुद पे इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कह सकते हो आप। यहाँ पे टैरो डिविनिटी टूल्स, अच्छा एजुकेशन या कुछ भी आप लोग जो है, मुझे लगता है ये सब क्वालिटीज जो हैं आप लोगों के पास ना ऑटोमेटिकली हैं। देखते हैं एक दो बार और देखेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप यहाँ रिवर्स कर चुके हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ये कार्ड क्या होता है ना, साइकिल एक जो है वो कुछ बुरा होने वाला होता है, रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब बुरा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे इस कार्ड में होता होगा, मीन्स मैं बिकॉज आई एम नॉट, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, प्रोफेशनल टैरो रीडर टाइप, तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लेकर चलती हूँ, ठीक है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में पेनफुल हुआ है, बैड हुआ है, उसका आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें आपको और भी बहुत ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर ही है। स्ट्रेंज ना, यस, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी की लाइट है वो आपके अंदर ऑलरेडी स्पार्क हो रही है, आप ही उसको अट्रैक्ट करते हो। ग्रुप नंबर थ्री, स्ट्रेंज बट ट्रुथ, दिस इज अ ट्रुथ, हैव फेथ। एक दो कार्ड खाली आपके लिए, आप दूसरे के लिए भी, या अब आया ना। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हम एक बार देख लेते हैं। हेयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स, सो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही थी, जो पास्ट में कुछ हुआ होगा यहाँ पर रिलेशनशिप में या कहीं पे, इसलिए ये चीज़ें आपको टेंशन स्ट्रेस देती हैं, वहाँ पे वो चीज़ों का एंडिंग होना। और बट आप अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देंगे, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही हुई है, या पास्ट में आपने खुद को कभी, खुद के ऊपर कभी कुछ काम नहीं किया, या फिर समझा नहीं उस चीज़ को, उन लेसन्स को जो आपको सिखाया जा रहा है, वट एवर इट इज़, किसी भी तरह में अगर ये चीज़ें रही हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। डेविल का कार्ड है, देखिए, अच्छा ग्रुप नंबर ये मैंने अब देखा है, थ्री, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप अकेले हो तो यू आर कम्प्लीट, रैदर अगर आप किसी गलत जगह पर अटैच्ड हो, चाहे वो अब्यूसिव रिलेशनशिप हो, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपके, मुझे आना स्टेप पेरेंट्स का भी थोड़ा सा आ रहा है, या फैमिली, इस तरह से कोई फैमिली जो अच्छा नहीं है आपका, तो अगर आपको ये लगता है ना, हो बेटर टू लिव अलोन, इन नेगेटिव लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा है कि आप उससे दूरी बनाकर रखें इन चीज़ों से, अगर आप अपनी लाइफ में ना सक्सेस चाहते हो, ठीक है, पंगे बाद में ले लेना, पहले आप अपनी ये सक्सेस तक तो पहुंचाओ, इन दो कार्ड तक, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी टाइम आ चुका है मुझे खुद को थोड़ा धुलाने का, रोना धोना करने का, तो फिर इधर पंगे ले लो अपनी पर्सनल लाइफ में, वही रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फिश नेचर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। बट मेन टाइम के लिए ओनली फोकस ऑन योर ओन एनर्जीज, स्टार्ट करो, रुके नहीं, स्ट्रेस नहीं लें, सक्सेस इज विद यू। कॉस्मिक एनर्जी सन की है भाई, सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेन जो है, जिससे हम सारी एनर्जी लेते हैं, हम पता ही है सूर्य का, किसे नहीं पता है, बताने की जरूरत है क्या मेरे को, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस एनर्जी को लो, 333 नंबर की लो, व्हील ऑफ फॉर्चून का अट्रैक्ट करो विद इन वन ईयर। आप जो भी चीज सोच रहे हो, री मैरिज का भी, कुछ लोगों का, पार्टनर का भी हो सकता है, ठीक है, घर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यू विल रीच ओवर देयर। यहाँ पे फिर से येलो, येलो सन गोल्ड मीन्स उसको रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल है। ग्रुप नंबर थ्री, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विथ यू, इफ यस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे अहेड।